राहुल गांधी ने वाशिंगटन में मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उनके बारे में गैर धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संसद में संगोल को दंडवत प्रणाम करने का उड़ाया मजाक, कहा मैं आपके सामने बैठा हूं, लेटा तो नहीं हूं। राहुल गांधी ने संगोल स्थापना को बताया तमाशा, कहा कि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इलाज जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए संगोल जैसे तमाशे करती है। राहुल गांधी ने विपक्ष की एकता के सवाल पर कहा विपक्षी दल पूरी तरह एकजुट है, कई जगह समझौतों की जरूरत है और ये किया जाएगा। चुनाव में दूसरी पार्टी के नेतृत्व स्वीकार करने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना चाहिए क्योंकि वही फैसला करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को चुनाव में हराने का किया दावा, कहा मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मोदी ये चुनाव पूरी तरह से जीत रहे हैं, एकजुट विपक्षी बीजेपी को हरा देगा। पीएम मोदी की लोकप्रियता के सवाल पर बोले राहुल गांधी, कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा हूं, लोग बेरोजगारी और महंगाई से बहुत नाराज है, लोगों में गुस्सा है। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा कि सब जानते हैं कि चीन ने 1,500 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया समाज में नफरत फैलाने का आरोप, कहा कि अभी के पास अभिव्यक्ति और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी राहुल गांधी ने किया था मोदी सरकार पर अटैक, कहा शायद मैं भारत में मानहानि केस में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला शख्स। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा, भारत में विपक्ष कर रहा है संघर्ष। विदेश में राहुल के बयानों का संजय राउत ने किया समर्थन, कहा देश की समस्या भारतीयों के सामने रखने में देश का अपमान नहीं। संजय राउत ने राहुल गांधी के बयानों की तारीफ की, कहा कि सचिन विराट की तरह फॉर्म में है, तमाम जुल्म के बावजूद लड़ रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर बोले सीएम बघेल, राहुल गांधी ने जो बात बोली उसे गंभीरता से लेनी चाहिए। राहुल के बचाव में उतरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा कि राहुल ने विदेश में कुछ भी अपशब्द नहीं कहा। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले राहुल का विदेश में भारत की छवि खराब करना लक्ष्य, पीएम मोदी की लोकप्रियता स्वीकार नहीं कर पाते। राहुल गांधी पर बरसे रविशंकर प्रसाद, कहा कि पूरी दुनिया में भारत के विकास के खिलाफ नफरत का बाजार फैलाना उनकी प्राथमिकता। रविशंकर प्रसाद ने कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता से राहुल घबराए हुए हैं, वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल से सवाल, 1984 में आपके पिता पीएम थे, यूपी में कांग्रेस की सरकार थी तो क्या दलितों पर अत्याचार हो रहे थे। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, क्या इसके लिए चीन फंडिंग करता है। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का बड़ा आरोप, बॉर्डर पर जब चीन घुसपैठ कर रहा था वो चीनी अधिकारियों से गुप्त मीटिंग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा भारत विरोधी मानसिकता और सत्ता वियोग से ग्रस्त है राहुल। कांग्रेस और राहुल पर बरसे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम की लोकप्रियता से घबराए हैं, भ्रष्टाचार भी भूल गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला, कहा देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले हैं दुश्मन। संघ प्रमुख ने नागपुर के एक कार्यक्रम में लोगों में एकता बनाए रखने की अपील की, कहा कि सीमाओं पर दुश्मनों को ताकत दिखाने की बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, कहा अब विदेशी तो यहां से चले गए हैं लेकिन इस्लाम की पूजा यहीं सुरक्षित चलती है। मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम सहजीवन का किया जिक्र, कहा कि सैकड़ों साल के साथ को ना पहचानते हुए आपस में भेदभाव की नीति कैसे चलेगी। संघ प्रमुख ने नए संसद भवन की तारीफ भी की, कहा संसद के जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं उन्हें देखकर गौरव का अनुभव होता है। मोहन भागवत ने संसद की आलोचना करने वालों पर साधा निशाना, कहा कि परेशानी की बात है कि देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और सहूलियतों को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। रेसलर्स के समर्थन में आज लगातार दूसरे दिन होगी खाप महापंचायत, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बुलाई गई महापंचायत। कुरुक्षेत्र खाप महापंचायत में आगे की रणनीति पर हो सकता है फैसला, रेसलर्स के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन हो सकते हैं तय। मुजफ्फरनगर खाप महापंचायत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से खाप डेलीगेशन के मिलने पर हुआ फैसला, रेसलर्स के लिए इंसाफ की लगाई जाएगी गुहार। खाप डेलीगेशन राष्ट्रपति को सौंपेगा मेमोरेंडम, महिला रेसलर्स को जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रखने देने की मांगी जाएगी इजाजत। मुजफ्फरनगर खाप महापंचायत में 50 खाप के प्रमुख हुए शामिल, महिला रेसलर्स के सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का हुआ ऐलान। पालम 360 खाप के प्रमुख सुरेंद्र सोलंकी ने केंद्र पर ब्रजभूषण सिंह को बचाने का आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी को समझना होगा कि 2024 में उसका ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पवन खटाना ने दी चेतावनी, कहा बेटियों के सम्मान से समझौता नहीं, चाहे इसके लिए एक बार फिर दिल्ली को घेरना पड़े। राकेश टिकैत ने सरकार पर लोगों को जाति के आधार पर बांटने का भी आरोप लगाया, कहा कि रेसलर्स के मुद्दे को राजपूत वर्सेस गुर्जर बनाने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होने पर उठाए सवाल, कहा पहलवान निराश ना हो, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह का बयान, रेसलर्स बार बार अपनी मांग बदल रहे हैं, उनको जांच का इंतजार करना चाहिए।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की रेसलर्स से अपील, जांच पूरी होने का करें इंतजार, चार्जशीट फाइल होने के बाद होगी उचित कार्रवाई। प्रदूषण को लेकर बोले कपिल सिब्बल, लगता है कि जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश मिला है। दिल्ली में महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, इस देश की परंपरा है कि कानून व्यवस्था के तहत चीजों के फैसले होते हैं। उज्जैन के महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्तियों के गिरने का मामला पकड़ा, तूल लोकायुक्त ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की शुरू। कांग्रेस ने आंधी में 6 मूर्तियों के गिरने को बताया घोटाला, उज्जैन के डीसी ने माना एफआरपी की मूर्तियां फिलहाल रखी गई थीं, पत्थर की मूर्तियों को 3 दिन में रखा जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का आज उज्जैन दौरा, महाकालेश्वर के मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड सुबह 10 बजे जाएंगे महाकालेश्वर के मंदिर, विधि विधान के साथ करेंगे पूजा। पुष्प कमल दहल प्रचंड से गुरुवार को मिले पीएम मोदी, हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात, 4 दिनों के भारत दौरे पर आए हैं प्रचंड। भारत नेपाल के बीच कई क्षेत्रों में समझौते हुए साइन, दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किए गए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने साल 2014 के नेपाल दौरे का याद किया, कहा कि तब मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए दिया था हिट फॉर्मूला, हिट का मतलब था हाईवे, आईवे और ट्रांसवे। नेपाल के पीएम का बयान, प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को मजबूत करने पर हुई बात। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने सीमा विवाद का भी मुद्दा उठाया, कहा कि पीएम मोदी से सीमा विवाद को जल्द सुलझाने की मांग। भारत नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास पीएम मोदी और पीएम पुष्प कमल ने संयुक्त रूप से किया। रेलवे के कुर्था बिजलपुरा खंड की ई योजना की भी अनावरण की गई और दोनों प्रधानमंत्रियों ने बथनाहा के से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार, मराठा मंदिर संस्था के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। शरद पवार ने सीएम आवास में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात, 24 जून को होने वाले हैं मराठा मंदिर संस्था में कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, बोले शरद पवार से मुलाकात हुई, हमारी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। सीएम शिंदे के बाद उद्योगपति गौतम अडानी ने की शरद पवार से मुलाकात, पवार ने अडानी की मुलाकात को टेक्निकल करार दिया। 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर बोले संजय राउत, पटना जाने के बारे में सोच रहे हैं, 2024 में चाहते हैं बदलाव। 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेगी कांग्रेस जयराम रमेश का बयान। राजस्थान में बिजली फ्री पर मायावती का अटैक, कहा यह चुनावी छलावा, महंगाई को देखते हुए 5 साल पहले करना चाहिए था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, मंदिर से अधिक अस्पताल बने, हम चाहते हैं कि किसान, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर हो बात। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिले सीएम केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। सीएम केजरीवाल ने अतिशी को पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, अब अतिशी के पास 5 मंत्रालयों का जिम्मा। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रहे हैं पीएम, हम गरीबों को दे रहे हैं तो उन्हें तकलीफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी से 100 सवालों के किताब जारी की, जयराम रमेश बोले अदानी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट समिति जांच कर पाएगी, जेपीसी की जांच जरूरी। पटना में बैरिया के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंपस में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे कैंपस में अफरा तफरी मची, काफी दूर से दिखाई दे रही थी लपटें। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, हादसे की वजहों की जांच जारी। लुधियाना के ताजपुर रोड इलाके में रंगाई की फैक्ट्री में आग लगी, आसमान में धुएं का गुबार उठा। आग लगने की घटना के बाद मची दहशत, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। मथुरा में तालाब से चप्पल निकालने के दौरान बड़ा हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, 3 बच्चे सगे भाई थे। हरिद्वार में भारी मात्रा में कच्ची शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट, पुलिस प्रशासन ने चलाया अभियान। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एक्शन, अवैध भट्टियों को नष्ट करने का काम हुआ। जहां भी अवैध तरीके से बेची जा रही है शराब, वहां भी होगी कार्रवाई, प्रशासन की तरफ से आया बयान। भुवनेश्वर में पुलिस विभाग की बड़ी पहल, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई परफॉर्मेंस वाले जीपीएस लैस ड्रोन को शामिल किया गया। 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है ड्रोन, हवाई निगरानी में होगा ड्रोन का इस्तेमाल। तमिलनाडु में इंडियन कोस्ट गार्ड ने समंदर के भीतर से करोड़ों का सोना जब्त किया, मन्नार इलाके में चलाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का ये स्पेशल ऑपरेशन। तटरक्षकों, DRI और कस्टम की टीम ने 32 किलो से ज्यादा का सोना जब्त किया, तस्करी कर लाया गया था, बाजार में कीमत करीब 20 करोड़। जिले के साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड बढ़ी, 3 दिन और पुलिस साहिल से करेगी पूछताछ। बुलंदशहर के बराल गांव में 4 मंदिरों की मूर्तियां की गई खंडित, गांव के लोगों में भारी गुस्सा। मूर्ति खंडित होने के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात।
भारत ने जीता जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब, फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी। भारतीय टीम के लिए टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट के लिए जर्सी लॉन्च, WTC के फाइनल मैच में पहली बार नई जर्सी पहनेगी टीम इंडिया। MS धोनी के घुटने की सर्जरी हुई सफल, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ ऑपरेशन, IPL के मैच के दौरान हुए थे चोटिल। WTC मुकाबले से पहले ओवल में भारतीय टीम कर रही है प्रैक्टिस, BCCI ने जडेजा, रहाणे, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव की तस्वीर शेयर की। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का बड़ा बयान, कहा विराट पुजारा और शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेरन का टीम इंडिया को सुझाव, भारतीय खिलाड़ी रिजल्ट की परवाह किए बिना WTC फाइनल खेले। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच ने कहा भारत के लिए स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया के लिए विराट कोहली को जल्दी आउट करना होगा अहम। सुनील गावस्कर ने कहा कि WTC फाइनल में पुजारा होंगे टीम इंडिया के लिए सबसे अहम, पुजारा का काउंटी क्रिकेट का एक्सपीरियंस WTC में आएगा काम। अफगानिस्तान के राशिद खान श्रीलंका के खिलाफ पहले 2 वनडे से बाहर, कमर के दर्द से हैं परेशान। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3 फुटबॉल ट्रेनिंग केंद्रों का उद्घाटन किया। थाईलैंड ओपन के मेन सिंगल में लक्ष्य सेन ने किया बड़ा उलटफेर, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप चौथे वरीय चीन के ली शिफेंग को हराया, क्वार्टर फाइनल में ली एंट्री। भारतीय पहलवान मंजीत ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। IPL ट्रॉफी लेकर तिरुपति मंदिर पहुंचे CSK के मालिक श्रीनिवासन, चेन्नई के 5वें टाइटल जीतने के बाद हुई विशेष पूजा। भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय को बिहार के सारण में लगी गोली, एक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में पैर में गोली लगी। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम का टीजर रिलीज, महेश बाबू का जबरदस्त राउटी लुक। सुपरस्टार रजनीकांत और तमन्ना की आगामी फिल्म जेलर की शूटिंग पूरी हुई, 10 अगस्त को देश भर के थिएटर्स में रिलीज होगी। इंदौर गौरव दिवस में दिखी आदि पुरुष की धूम, जय श्री राम गाने पर हुआ शानदार डेफर एंड साउंड शो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।